एवरी वन नाउ इट्स टर्ट टू लर्न फ्यूचर कॉन्टीन्यूस टेंस हम सारे डेफिनेट टेंसेज लर्न कर चुके हैं और प्रेजेंट एंड पास्ट प्रोग्रेसिव टेंसेज भी लर्न कर चुके हैं फ्यूचर कॉन्टीन्यूस टेंस को भी फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस बोला जाता है और जैसे कि इसके नेम से पता चल रहा है कि बाई फ्यूचर वी मीन टाइम आफ्टर द प्रेजेंट अब के बाद का जो टाइम है ना डेट काउंट्स फ्यूचर उसको हम फ्यूचर कह रहे हैं नेक्स्ट आवर की भी बात कर रही हूँ तो दैट इज़ फ्यूचर इस इवनिंग की भी आज की इवनिंग की बात करूँगी तो तब भी ये फ्यूचर है नेक्स्ट मॉर्निंग की बात करूँ वो भी फ्यूचर है नेक्स्ट वीक नेक्स्ट मंथ इवन ए इयर्स इट कैन टेक अ लॉन्गर टाइम तो ये सारा फ्यूचर में आता है एंड बाय कॉन्टीन्यूज वी मीन के वी टॉक अबाउट योर इट यूज टू इंडिकेट द एक्शन दैट आर ऑन गोइंग और कॉन्टिन्यूज इन द फ्यूचर दैट विल बी ऑन गोइंग और कॉन्टीन्यूस विल बी इन द फ्यूचर सो फ्यूचर कॉन्टीन्यूस टेंस इज़ यूज टू एक्सप्रेस एंड ऑन गोइंग और कॉन्टीन्यूस एक्शन एट समाइम लेटर दैन नाव अब के बाद जो भी एक्शन हो रहा होगा और कॉन्टीन्यूज होगा ऑन गोइंग होगा उसको हम कहते हैं कि ये फ्यूचर कॉन्टीन्यूस टेंस होगा उस ऐसे सारे एक्शन्स को हम फ्यूचर कॉन्टीन्यूज टेंस के थ्रू एक्सप्रेस करेंगे सो इसमें इस तरह के एक्शंस भी आ सकते हैं विच आर प्रोमिसट टू बी गोइंग ऑन एट अ स्पेसिफिक टाइम इन द फ्यूचर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बोलूँ कि दिसंबर में वेकेशन होती हैं तो मैं मुझे भी कन्फर्म है श्योर है कि तब मैं क्या कर रही हूँ एट दैट टाइम राइट क्योंकि मेरा उस टाइम पे ऑन गोइंग एक्शन क्या होगा आई विल भी इन्जॉइंग वेकेशन दिसंबर सो so, ऐसे एक्शन जो कि प्रॉमिस्ड हैं एंड थाट टू बी ऑन गोइंग इन द फ्यूचर ऑन गोइंग इन द फ्यूचर तो उनको भी आप फ्यूचर कॉन्टीन्यूस टेंस में यूज़ करते हैं उनके लिए फ्यूचर कॉन्टीन्यूस टेंस यूज़ करते हैं और इसके अलावा हम टाइम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं ये गैस होता है हमारा उसके लिए भी हम फ्यूचर कॉन्टीन्यूस टेंस यूज़ करते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल अभी रात के खाने की अगर मैं बात करूँ तो uh, कि मैंने क्या करना है अभी मेरा गैस है एक्सपेक्ट कर रही हूँ मैं कि मैं क्या करूँगी तो मैं अगर बोलूँ कि आई विल बी मेकिंग पिज़्ज़ा ऑन द इवनिंग आई विल बी हैविंग डिनर एट माई फ्रेंड्स हाउस या अभी मैं अपनी सिस्टर की बात करूँगी तो शी विल बी लर्निंग द लेसन इन द रूम शी विल बी डूइंग दिस ही विल बी डूइंग दिस तो हमारा एक्सपेक्ट अभी गेस है कि शी विल बी शॉपिंग शी विल बी डूइंग दिस तो ये सारे फ्यूचर कॉन्टिन्यूज टेंस के थ्रू हम एक्सप्रेस कर रहे होंगे ऐसे एक्शंस जो कि हम गेस कर रहे हैं किसी के बारे में इस टाइम पर यह हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं फ्राम आफ्टर द नाओ अब इसके बाद हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वट विल बी ऑन गोइंग क्या ऑन गोइंग होगा ये ऑन गोइंग आपने अपने माइंड में रखना है अदरवाइज आप इंडेफिनेट में चले जाएँगे राइट तो ये अपने याद रखना कि कॉन्टीन्यूज में आप ऑन गोइंग एक्शन के बारे में बात कर रहे हैं विच आर टेकिंग प्लेस विच आर एक्सपेक्ट टू बी टेकिंग प्लेस इन द फ्यूचर राइट और uh, जब आप किसी एक्शन की बात करते हैं विच हैज़ टू बी टेक प्लेस इन द फ्यूचर एंड ऑन गोइंग एक्शन की बात करते हैं तो वो ड्यूरेशन में लॉन्गर भी हो सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया कि अब के बाद एक घंटे की भी बात करेंगे नेक्स्ट फ्यू मिनट्स की भी आई विल बी फिनिशिंग द वीडियो इन नेक्स्ट फ्यू मिनट्स तो ये भी फ्यूचर में आ गया फ्यूचर कॉन्टीन्यूज में आ गया कि क्या मेरा एक्शन ऑन गोइंग एक्शन होगा कुछ मिनट्स के बाद आई विल बी वाइंडिंग द टॉपिक आई विल बी डूइंग दिस राइट तो ये सारे फ्यूचर कॉन्टीन्यूस टेंस में आ जाते हैं और लॉन्गर ड्यूरेशन भी आ जाता है आप तो तीन साल की भी बात कर सकते हो एक, एक साल की भी बात कर सकते हो महीनों की भी बात कर सकते हो हफ़्तों की भी बात कर सकते हो उनमें सारे प्लेंड एक्शन जो होंगे और ऑन गोइंग प्लेन्ड ऑन गोइंग एक्शन जो होंगे तो आई विल बी अटेंडिंग मीटिंग ऑन द मंडे आई विल बी अटेंडिंग मैरिज ऑन द मंडे ये सारे जो एक्सपेक्टेड कन्फर्म्ड फॉर श्योर ऑन गोइंग एक्शंस होंगे लेटर देन नाउ दे विल बी एक्सप्रेस बाय यूजिंग फ्यूचर कॉन्टीन्यूस टेंस राइट अब हम इसके स्ट्रक्चर की तरफ हेल्पिंग वर्ब एंड एज यूजल नेगेटिव इंट्रोगेटिव और पॉजिटिव सेंटेंसेस की तरफ चलते हैं तो इसमें हेल्पिंग वर्ब जो यूज़ होगा मैंने पहले भी बताया था कि वर्ब टू भी यूज होता है इन ऑल द कॉन्टीन्यूस टेंसेस सो वर्ड टू बी में क्या क्या था इज़म आर वॉज वर एंड विल बी इज़म आर वॉज वर हम यूज़ कर चुके हैं फिर जो कॉन्टीन्यूस टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा वो यूज़ होगा विल बी विल और शेल यूज का यूज़ का मैंने आपको बताया था कि शेल अब स्किप uh, कर दिया गया है वो बहुत कम यूज़ होता है तो हम चाहे कौन सा भी पर, जो जो भी हमारे पास पर्सन होगा वो फर्स्ट सिंगुलर या प्लरल पर्सन हो सेकेंड सिंगुलर या प्लुरल हो या थर्ड सिंगुलर या प्लूर हो सबके साथ हमने क्या यूज़ करना है विल भी यूज़ करना है ये आपको एक एज मिल रहा है इस में कि आपने ये हेल्पिंग वर्ब सारे पर्सनस के साथ यूज़ करना है राइट right? इसका फॉर्मूला हम देख लेते हैं अगेन द सब्जेक्ट हु और वट परफॉर्म्स द एक्शन वर्ब विल शो द एक्शन वट इज़ एक्चुअल एक्शन इसमें कौन सा है वट इज़ हैपनिंग इन दिस और ऑब्जेक्ट इज़ हु एवर वट एवर रिसीव्ज द एक्शन दैट इज डन बाय द सब्जेक्ट तो अब बात इसमें रह जाती है हेल्पिंग वर्ब की तो बाकी तो वही स्ट्रक्चर रहेगा ना सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट तो दरमियान में हेल्पिंग वर्ब सारे टेंस में चेंज हो रहा होता है तो इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सा होगा विल बी अब इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहनी चाहिए कि सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट तो सिंपल सेंटेंस बनाता है लेकिन इन टेंसेज में जो चीज़ वेरी कर रही होती है दैट इज द हेल्पिंग वर्ब और इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज हो रहा है विल बी और एग्जाम्पल्स इसके देख लेते हैं आई विल बी वॉचिंग टी वी राइट आई विल बी वॉचिंग टी वी सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब मैन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट अच्छा एक और चीज़ मैंने आपको बताई थी कि फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी रूट फॉर्म प्लस आई एन जी जैसे वॉच था वॉच इज़ द फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी हो गया तो क्या बन गया वॉचिंग बन गया इसको हम क्या कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं तो प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज होगा इन ऑल द कॉन्टीन्यूज चेंसेज ये मैं आपको पहले भी बता चुकी थी लेकिन इस वीडियो में मैं रिपीट कर लिया मैंने कि आपको कन्फ्यूजन ना हो कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आई एन जी इज़ द प्रेजेंट पार्टिसिपल और प्रेजेंट पार्टिसिपल को हम वी फोर भी कहते हैं दैट इज फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब राइट और यहाँ पे वी फोर मैंने इसलिए नहीं लिखा कि अगर कोई सिर्फ ये वाली वीडियो देख रहा है तो उसको कन्फ्यूजन ना हो कि ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड प्लस आई एन जी है विच इज़ प्रेजेंट पार्टिसिपल राइट और एग्जाम्पल्स बाकी देख लेते हैं इसमें ही विल बी प्लेंग फुटबॉल एट टेन ए एम शी विल बी अटेंडिंग मैरिज नेक्स्ट मंडे ये देखें ना ये प्लान हमारा ऑन गोइंग एक्शन आ जाता है इन द फ्यूचर नेगेटिव सेंटेंसेस की बात करें तो नेगेटिव में बाकी कोई भी चेंज नहीं आएगा सिर्फ एक छोटी सी इसमें लॉजिक है जो कि अपने माइंड में रखनी है कि नॉट इसमें ऐड होगा लेकिन जो हेल्पिंग वर्बे विल भी उनके मिड में एड होगा नॉट हेल्पिंग वर्क विल बी ऐसे नहीं आएगा शी विल बी नॉट डूइंग दिस यह आएगा शी विल नॉट बी डूइंग दिस राइट समझ आ गई कि विल बी के, के दरमियान में हमने नॉट को ऐड करना है जैसे ही विल नॉट बी वॉचिंग टी वी ऊपर हमने यूज़ किया था ही आई चले आई विल बी वॉचिंग टी वी अगर यहाँ पर हम यूज़ करें तो ये होगा आई विल नॉट बी वॉचिंग टी वी राइट तो विल और बी के दरमियान में हमने नॉट को ऐड किया बाकी इसमें कोई चेंज नहीं है तो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ चलें तो उसमें एज यूजुअल हेल्पिंग वर्ब कहाँ आ जाएगा स्टार्ट में क्योंकि क्वेश्चन है तो हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में आ जाएगा और बाकी उसी तरह से रहेगा कि हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में आएगा बट यहाँ पे सिर्फ विल स्टार्ट में आएगा फिर देन सब्जेक्ट और देन उसके बाद बी होगा यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के दरमियान में सब्जेक्ट आएगा राइट देन प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड देन ऑब्जेक्ट विल ही बी वॉचिंग टीवी विल शी बी अटेंडिंग मैरिज नेक्स्ट मंडे विल ही बी प्लेंग फुटबॉल एट टेन एम राइट इसी तरह से बाकी एग्जाम्पल्स भी हैं जिसको आप अभी खुद ट्राई करें कि नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में चेंज करें कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर मैंने लिखी हुई हैं पहली है ही यू विल बी लर्निंग द लेसन अगर हम इसको नेगेटिव में करते हैं तो ये क्या हो जाएगा यू विल कहाँ पर नोट एड करना है विल एंड डी के दरमियान में यू विल नॉट बी लर्निंग द लेसन राइट और अगर ये क्वेश्चन बनेगा तो विल कहाँ आ जाएगा विल इस सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा सिर्फ विल यहाँ से इन दोनों की जगह रिप्लेस होगी सब्जेक्ट एंड विल की जगह रिप्लेस होगी विल यू बी लर्निंग द लेसन नेक्स्ट इज शी विल बी वॉशिंग द डिशेज अब हमने नेगेटिव में चेंज करना है तो नॉट कहाँ ऐड करना है विल एंड बी के दरमियान में तो क्या आ जाएगा शी विल नॉट बी वॉशिंग द डिशेज और अगर हमने इसको इंट्रोगेटिव uh, सेंटेंस में चेंज करना है तो विल एंड शी की जगह रिप्लेस हो जाएगी सब्जेक्ट एंड विल की जगह चेंज हो जाएगी तो क्या हो जाएगा विल शी बी वॉशिंग द डिशेस इसी तरह से दो मैंने डब्ल्यू एच वाले क्वेश्चंस लिखे हैं कि वो स्टार्ट में आएंगे और देन हेल्पिंग वर्ब देन प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड देन ऑब्जेक्ट एट द डोर वट विल यू बी डिलीवरिंग हिम सो so, आप इसकी प्रैक्टिस करते रहें से, इफर्मेटिव सेंटेंसेस सिंपल सेंटेंसेस को लेके उसको नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में चेंज करें और जस्ट यही नहीं आज की सारी आपके बाद की जो रूटीन है आपकी आप उसको लिखें कि हु विल बी डूइंग दिस व्हाट विल यू बी डूइंग और ये सारा आप एक पेज पर लिखेंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए और आपको इस पर सही से ग्रिप भी आ जाए इफ़ यू लाइक द वीडियो सब्सक्राइब माई चैनल एंड गिवज द थम्स अप थैंक यू